खबर शामिल करते हैं पीर दादन खान से। राजा जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार कलंदर पाक काकियां वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैहि ढड्डी थल लिल्ला शरीफ पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान भर से जायरीन आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। आज भी दरबार शरीफ पर डिप्टी डायरेक्टर NHA नईम इकबाल फैसलाबाद से, हाजी मोहम्मद रफीक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोधा कैंपस से, जबकि मुइन भट्ट फैसलाबाद से खसूसी तौर पर हाजिरी के लिए तशरीफ लाए और सजादा नशीन दरबार आलिया साहबजादा पीर सैयद मनशा अब्बासी बुखारी से मुलाकात की। पीर मनशा अब्बासी बुखारी ने सबको कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ और सूरह रहमान का पैगाम दिया कि कोई भी बीमारी हो, किसी किस्म का भी मसला हो, तो कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में बगैर तर्जमे के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 7 दिन लगातार सूरह रहमान सुने और अपनी बीमारियों और तकलीफ़ों से निजात पाएँ। हर दफ़ा सुनने से पहले अब आधा गिलास पानी अपने पास रखें और तलावत ख़त्म होने पर बंद आँखों से दिल में 3 बार अल्लाह कहकर पानी पी लें, जबकि कम बीमारी वाला मरीज़ दिन में 2 मरतबा और तंदुरुस्त आदमी दिन में 1 दफ़ा 7 दिन लगातार 7 दिनों तक सुने। शफा मन जानब अल्लाह है। सजादा नशीन दरबार आलिया साहबजादा पीर सैयद मनशा अब्बास बुखारी ने बताया कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के इस फैज़ से लाखों लोग शफा याब हो चुके हैं। लोग कैंसर जैसे मूजी मर्ज से निजात पा रहे हैं। नेज़ हर किस्म की बीमारियों परेशानियां ख़त्म हो रही हैं। औलाद और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ सूरतुर रहमान पूरी दुनिया में फैल चुका है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि सूरह रहमान सुने और रहमत खुदाबंदी से मुस्तफ़ीद हों। इसकी फीस यही है कि पहले खुद सुने, फिर मुस्तफ़ीद होकर दूसरों को बताएँ। राजा जफर इकबाल, आज तक TV रिपोर्टर, पिंड दादर खान।